नमस्कार, कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास सर लेट्स नो हिस्ट्री मध्यम ओडिशार छात्र छात्री मानक झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा सम्बलित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम मु मिस नंदिनी आपण मानक स्वागत जनाउछि। मध्ययुगीय यूरोप्रे वाणिज्यिक प्राचुर्यता को संधान करिबा पाई नाविक मानकर जलपथ आविष्कार प्रयास किभली तत्कालीन विश्वरे उपनिवेशीय शासन को त्वरान्वित करिथिला एवं एहा किभली इंग्रेज मानक द्वारा विशेष प्रभावयुक्त थिला से संपर्करे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न एक, मध्ययुगीय यूरोप्रे क्यों फरासी गवर्नर फ्रांसर धर्मजाजक मानंकु आमेरिकार आभ्यंतरीण प्रदेश में धर्म प्रचार करने उत्साहित करते? उत्तर, काउंट फ्रंटेनाक। प्रश्न दुई, मध्ययुगीय यूरोप्रे भौगोलिक आविष्कार को त्वरान्वित करने फरासी धर्मजाजक और अभिजात्री दल क्यों ख्रीष्टाब्दरे मेक्सिको खाड़ी में पहुंची थे? उत्तर, 1669 ख्रीष्टाब्दरे। प्रश्न तीन, मध्ययुगीय यूरोप्रे भौगोलिक आविष्कार को त्वरान्वित करने फरासी धर्मजाजक और अभिजात्री दल क्यों पथ अतिक्रम कर मेक्सिको खाड़ी में पहुंची थे? उत्तर, फॉक्स नदी, विस्कॉन्सिन, मिसिसिपी नदी और आर्कानास मुहाण दे। प्रश्न चार, मध्ययुगीय यूरोप्रे फरासी माने आमेरिकार क्यों अंचल को अधिकार करी सेंट लॉरेंस ठारु मेक्सिकोर खाड़ी पर्यंत एक जलपथ आविष्कार करिथिले? उत्तर, आपालाचियान पर्वतमालार समग्र पश्चिमांचल को अधिकार करी। प्रश्न पांच, क्यों कारण जगु मध्ययुगीय यूरोप्रे ब्रिटिश मानकर आमेरिकीय सामुद्रिक प्रस्तर पथ संकुचित हो जाइथिला? उत्तर, आमेरिकार समग्र अभ्यंतरीय भूभाग उपरे फरासी माने कर्तृत्व जाहिर करथिबा कारणरु। प्रश्न छ, आमेरिकार फोर्ट फ्रंटेनाक्र निर्माता किए? उत्तर, लेक ओंटारियो मुहाणर जैनिक धनाढ़ फरासी व्यवसायी। प्रश्न सात, मध्ययुगीय यूरोप्रे निर्मित सेंट लुइस दुर्ग केबे क्योंठारे निर्माण करा जाइथिला? उत्तर, 1679 ख्रीष्टाब्दरे आमेरिकार इलिनियस नदीर निम्न भागने। प्रश्न आठ, सेंट लुइस दुर्ग निर्माण करिबा पाई फरासी अभिजात्री माने आमेरिकार क्यों पथ दे यात्रा करिथिले? उत्तर, आमेरिकार लेक मिचिगान दे इलिनियस नदीर निम्न अंचल को यात्रा करिथिले। प्रश्न न, आमेरिकार लुइसियाना उपत्यका कहा नामरे नामित करा जाइथिला? उत्तर, फ्रांसर सम्राटंक नाम अनुसारे। प्रश्न दस, आमेरिकार लुइसियाना उपत्यका काहिंकि मध्ययुगीय यूरोप्रे फरासी मानंकु आकृष्ट करिथिला? उत्तर, एहा एक प्राकृतिक संपदपूर्ण धनशाली उपत्यका होइथिबा जोगु। प्रश्न एगार, सप्तदश शताब्दी बेलकु आमेरिकार पूर्व उपकूल और पश्चिम उपकूल क्यों मानक द्वारा अधिकृत हो सारीथिला? उत्तर, पूर्व उपकूल इंग्रेज मानक द्वारा एवं पश्चिम उपकूल स्पेनियो मानक द्वारा। प्रश्न बार, ख्रीष्टीय षोडश और सप्तदश शताब्दी बेलकु फ्रांस वेस्टइंडिज रे किभली उपनिवेश स्थापन करिबारे समर्थ हो पारिथिला? उत्तर, स्पेनियो वाणिज्य कारबार उपरे जलदस्यु मानक आक्रमण कराई। प्रश्न तेर, सप्तदश शताब्दी बेलकु फ्रांस आमेरिकार क्यों क्यों अंचल उपरे निजर वाणिज्यिक कर्तृत्व जाहिर कर सारिथिला? उत्तर, समग्र मिसिसिपी उपत्यका एवं वेस्टइंडिज उपरे। प्रश्न चौदह, क्यों कारण जगु फरासी माने मिसिसिपी उपत्यका और वेस्टइंडिज रे
ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର, ସେଠାକାର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 15, କେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସିସିପି ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫରାସୀମାନେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 16, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିସିସିପି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ପ୍ୟାରିସ୍ ବୁଝାମଣା ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 17, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂତନ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଶ୍ନ 18, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ନୂତନ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିହାସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ନୂତନ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଶାନୁରୂପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଉପନିବେଶୀୟ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 190 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 20, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନିବେଶୀୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 1757ରୁ 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋଚ୍ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।